ठीक है, आप लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट टू। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, पढ़ लिया था हम लोगों ने, ठीक है। कुछ कुछ इसमें पार्ट बाकी रह गए थे, जैसे स्फीयर वाले, वो स्फीयर वाले में क्या सब साथ में पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने क्या स्फीयर वाला पार्ट छोड़ दिया अभी। बाकी शीट वर्क के कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, इनफाइनाइट वायर के कारण निकाल लिया, ठीक है, होलो सिलेंडर, होलो सॉलिड सिलेंडर, इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब आता आपका कंडक्टर। देखो जनरली जो मेटल्स होते हैं, सॉरी मटेरियल, मटेरियल को क्या करा हमने, तीन पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर, और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, और एक में होता, ये होता है आपका इंसुलेटर। तो जो कंडक्टर होते हैं, उस कंडक्टर में क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये क्या करता है, कंडक्ट करता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसमें कुछ ही इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और आपने अभी पढ़ाया भी था, हमने सेमीकंडक्टर उसमें बताया था कि इसमें होल्स भी होते हैं, सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री एंड सम आर बाउंडेड। कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इसमें बाउंड होते हैं, बाउंडेड होते हैं। और इंसुलेटर में क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसमें, इंसुलेटर के केस में कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, ठीक है। अब कंडक्टर को अगर मैंने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होता है। कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने कंडक्टर्स को रख दिया तो क्या होगा। मान लेते हैं कंडक्टर ले लिया हमने, अभी इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है कुछ इस तरह से, ठीक है, ठीक है, हम लोग बस एक ही लाइन बनाते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, ई एक्सटर्नल बोल दो इसको। तो अब इस कंडक्टर पे क्या इफेक्ट होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है मैंने मेटल का कंडक्टर, ठीक है, कोई मेटल की बॉडी रखी हुई है, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे आ रही है इस तरह से, इसका मतलब यहां पर कोई क्या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके जारी होगी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जब मैंने आपको इंडक्शन पढ़ाया था, अगर किसी बॉडी के पास किसी पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे तो क्या होंगे, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जितने भी नहीं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस साइड मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आके क्या होते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते हुए जाएंगे, जमा होते हुए जाएंगे। इस तरफ अगर नेगेटिव आया तो इस तरफ क्या आएगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि तो इसके अंदर भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, उसको बोलेंगे हम लोग ई इंड्यूस, क्या बोलेंगे उसको, ई इंड्यूस, उसको बोलेंगे ई इंड्यूस। तो यहां पर जो अब इलेक्ट्रॉन है या फिर पॉजिट्रॉन ले लो, इस पॉजिट्रॉन पे एक्सटर्नल फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, फोर्स दैट इज क्यू ई एक्सटर्नल, और इस तरफ फोर्स लग रहा है दैट इज क्यू ई इंड्यूस, आप लोगों को दिख रहा है,
एक्सटर्नल फोर्स के लिए पॉजिटिव चार्ज लिया, मतलब पॉजिट्रॉन लिया मान लो, तो पॉजिट्रॉन पे फोर्स लग रहा है इधर, इस पे फोर्स लग रहा है इधर, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पे? अब तो ई इंड्यूस क्या कर रहा है, ई इंड्यूस इज अपोजिट टू ई एक्सटर्नल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा इज अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा उस कंडक्टर के अंदर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सॉरी ई इंड्यूस होगा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अपोज होगा। अब इस पर क्या होगा, जो चार्जेस है इस पर इधर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा और इस पर इंड्यूस फोर्स के कारण, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा वो अपोजिट में लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूवमेंट स्टार्ट होता जाएगा मूव करने का, और जब वैन ई इंड्यूस की वैल्यू ई एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन आएगी कि ई इंड्यूस जो होगा वो ई एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। तो कंडक्टर के अंदर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो अब चार्ज का मूवमेंट क्या हो जाएगा, नो चार्ज मूवमेंट, अब कोई चार्ज मूव नहीं करेगा क्योंकि अब इक्वली फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों फोर्सेस बराबर है, तो अब चार्ज क्या होगा, मूवमेंट बंद हो जाएगा, नो चार्ज मूवमेंट, कोई चार्ज मूव नहीं करेगा, ठीक है। आप लोगों को मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाया था, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो होता है, ठीक है, इसके अंदर E जीरो हो जाएगा, जैसे कंडक्टर है इसके अंदर क्या हो जाएगा, E जीरो है, और आपको पता हो कि E बराबर होता है क्या, माइनस डीवी बाई डी आर, तो E कब जीरो हो सकता है, जब V क्या हो आपका, E जीरो जब V क्या हो आपका, कांस्टेंट हो, तो V अगर कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा, तो E जीरो, तो इसका मतलब V जो है वो कांस्टेंट होगा, और V अगर कांस्टेंट होगा मतलब इस मेटल के, इस कंडक्टर के हर पॉइंट पर V क्या है, सेम है, ये पूरा का पूरा जो कंडक्टर है वो बिहेव करेगा एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, कंडक्टर बिकम इक्विपोटेंशियल सरफेस, कंडक्टर जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा, वर्क करेगा, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, कंडक्टर जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। और अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हमें पता है कि किसी भी जो ईपीएस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ईपीएस के परपेंडिकुलर होती है, जब मैंने आपको पढ़ाया था वो इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो कंडक्टर जो है वो ईपीएस बन गया, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, ऐसे घुसेगी इसके अंदर, परपेंडिकुलर घुसेगी, ध्यान रखना, और इसमें से बाहर निकलेगी तो भी ऐसे बाहर निकलेगी परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी
वो परपेंडिकुलर होगी किसके, सरफेस के। उसमें जो लाइंस होगी अब वो लाइंस परपेंडिकुलर बाहर आएगी, क्यों, क्योंकि अब इक्वोपोटेंशियल सरफेस बन गया। और हमें पता है कि इक्वोपोटेंशियल सरफेस के जो लाइंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये सरफेस जो है वो इक्वोपोटेंशियल सरफेस बन गया। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगी इससे और परपेंडिकुलर अंदर एंटर करेगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी, कि किसी न्यूट्रल कंडक्टर को अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे। अब मान लो पहले से ऑलरेडी किसी चार्ज कंडक्टर को अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखे तो क्या अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, उसको देखते हैं हम लोग। अब अगर किसी चार्ज कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे क्या अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। चलो देखो, इधर चार्ज कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज कंडक्टर है उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग ये देखे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते, पहले चार्ज कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या नहीं होता है, पहले इसका पता करते हैं। पहले किसी चार्ज कंडक्टर को लेते हैं, मान लो कोई कंडक्टर चार्ज है, तो आपको पता है कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में जो चार्ज होता है वो चार्ज उसके सरफेस पर होता है। कहां पर होता है चार्ज? के जो होता है सरफेस पर होता है, अंदर नहीं होता चार्ज। किसी कंडक्टर पे जो चार्ज होता है वो कहां पे होता है? सरफेस पर होता है। अब मान लो मुझे अंदर किसी पॉइंट पे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पर, तो मैं क्या करूंगा, यहां से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ गॉसियन सरफेस बनाऊंगा मैं इस तरह से। मैंने क्या बना दिया, गॉसियन सरफेस बना दिया। ये क्या बन गया आपका, गॉसियन सरफेस। ठीक है, यहां पर लिखना पहले ई इनसाइड चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितना होता है ये निकालते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो क्यू इन क्या हो जाएगा, क्यू इन जीरो हो जाएगा। तो क्यू इन जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। चार्ज क्योंकि सरफेस पर होते हैं तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब इस तरह के चार्ज कंडक्टर को अगर मैंने ठीक है, अब जैसे इसमें तो सरफेस पर है और ये तो क्या है, स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, तो इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल बॉडी है, तो सिमेट्रिकल बॉडी पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली होगा। अगर मान लो कोई मैंने असिमेट्रिकल बॉडी ले ली, कोई ये तो सिमेट्रिकल है, मैंने असिमेट्रिकल बॉडी ले ली और उसको मैंने चार्ज दिया तो क्या होगा, इफ वी गिवन अ चार्ज टू असिमेट्रिकल बॉडी को मैं चार्ज देता हूं, तो मान लो कैसी बॉडी ले लो आप, ठीक है, इस तरह की बॉडी ले ली मैंने, तो इस पे क्या होगा, इस पे चार्ज होगा
जहां पर ये क्या हो रहा है, तो जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, बहुत ही कम है, तो जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। असिमेट्रिकल बॉडी को हम लोग चार्ज देते हैं, तो जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है वहां पर क्या होता है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, वैन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ेंगे तो इसका यूज पढ़ाऊंगा मैं। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर चार्ज होंगे। ठीक है, जैसे आप कोई सुई लेते हो, उस सुई को चार्ज करते हो आप, तो सुई का जो एक टिप होता है, इस टिप पर बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। तो सिग्मा जो होगा, सिग्मा दैट इज लोकल चार्ज डेंसिटी, सिग्मा को बोलेंगे लोकल चार्ज डेंसिटी, लोकल चार्ज डेंसिटी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के। हाँ बेटा, सिग्मा को सर क्या बोलेंगे, एक्सियल, सिग्मा चार्ज डेंसिटी होता है ना अपना, लैम्डा सिग्मा रो, यहाँ पे जो सिग्मा है वो लोकल चार्ज डेंसिटी, याद है, लोकल मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन पर, पूरी बॉडी का नहीं लिया। लोकल चार्ज डेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। सर बॉडी कैसे भी हो सकती है, मतलब कोई शेप, शेप पे तो डिपेंड नहीं करती ना। हाँ, बॉडी कैसी भी हो सकती है, कैसी ही बॉडी ले लो आप, तो जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा कम होगा, जैसे यहाँ पर रेडियस जो है वो कम है, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यहाँ पर ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, पर यूनिट एरिया पर ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होंगे यहाँ पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। आई बात समझ में, आरसी क्या है आपका, आरसी आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जानते हो ना आप लोग, जो कर्व बन रहा है उसका रेडियस क्या है। yes. ठीक है, और ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, या अभी कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तभी ये फॉर्मूला आपका वैलिड होगा। ठीक है, अब इस तरह के कंडक्टर या फिर जो स्फीयर था उसको अगर मैं इस तरह, या तो अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पर चार्ज अपने आप डिस्ट्रीब्यूट होगा, और सिग्मा जो है वन अपॉन आरसी के अकॉर्डिंग चार्ज डेंसिटी जो होगी वो सिग्मा वन अपॉन आरसी के को फॉलो करेगा, इस रूल को फॉलो करेगा, जहां पर रेडियस कम है वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, जहां पर रेडियस ज्यादा है वहां पर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब, जब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। लेकिन अगर इस तरह के कंडक्टर को मैंने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इफ वी प्लेस अ चार्ज कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैंने किसी चार्ज कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होगा, उसके चार्जेस क्या होंगे, रीडिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, इधर से उधर मूवमेंट होगा चार्जेस का, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मूव करेंगे, और इस तरह से मूव करेंगे कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। देन चार्जेस अरेंज
themselves in such a way that नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर भी क्या होगा, वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा और इस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे कि उसके अंदर अगेन क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो आना चाहिए. Such a way that net electric field inside the conductor is zero. Again, electric field क्या हो जाएगा आपका इस केस में भी जीरो हो जाएगा. ठीक है, अगर किसी चार्ज कंडक्टर को भी आप प्लेस करोगे किसमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में. हियर, अब यहां पर जरूरी नहीं कि जो चार्ज डेंसिटी होगी वो 1/RC को फॉलो करे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. हियर सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RC. ऐसे लिखो, हियर इट मे बी हो सकता है, इट मे बी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड here, it may be charge distributed according to sigma proportional to 1/RC. ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, जरूरी नहीं है. लेकिन अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो सिग्मा प्रोपोर्शनल होगा 1/RC के. लेकिन अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कोई कंडक्टर ले लिया आपने, छोटा सा एग्जांपल बना लो ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके, तो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे अपने आप. ई एक्सटर्नल और अंदर क्या होगा, ई इंड्यूस इस तरफ होगा अपोजिट में, और ई एक्सटर्नल आपका इस तरफ. इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो चार्जेस अपने आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आपस में क्या हो जाए, जीरो हो जाए. आई बात समझ में? क्वेश्चन देखते हैं. एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. एक सॉलिड कंडक्टर ले लिया मैंने, कंडक्टर, ठीक है, ध्यान रखना, एक सॉलिड कंडक्टर ले लिया, कोई चार्ज नहीं है इस पे, ये इसका सेंटर, इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पर मैंने एक चार्ज रखा Q. मुझे फाइंड करना है कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा. फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इनसाइड द कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा ये मुझे फाइंड करना है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं इंड्यूस कितना होगा. कैसे करेंगे वो तो अकेले? मुझे ये पता है. हाँ हाँ बेटा, और उसकी क्लास के अंदर क्या होगा, वो नीट की है ना बेटा, नीट. अच्छा, चलो फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, आला टूट जाएगा वरना. इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमें पता है, ई जो होता है ई नेट, वो क्या होता है, ई नेट क्या होगा, जीरो होगा. तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
और इसके कारण अंदर जो इंड्यूस हो रहा है इसके चार्ज के कारण यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज के क्यू बाय डी स्क्वायर प्लस ई इंड्यूस इक्वल टू जीरो होगा। या फिर ऐसा लिखो कमी हो जाए एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस क्या होगा जीरो, तो ई इंड्यूस इक्वल टू होगा माइनस ऑफ ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ई एक्सटर्नल कितना है इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज के क्यू बाय डी स्क्वायर, ई इंड्यूस होगा आपका के क्यू बाय डी स्क्वायर। समझ गए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंड्यूस होगा इस चार्ज के कारण, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है।